this is Tanya and you are watching Tear Reaction video. So welcome back to my channel. Today I am going to react on new video of Harsh Beniwal jiska title hai A Day with a Talentless Star Kid. So let's enjoy this. जैसा मैंने हर्ष बेनीवाल की स्टोरी पे देखा था कि यू नो हर एक वीडियो की तरह ये वीडियो भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था. जैसा एक और वीडियो था जिसका टाइटल था अ डे विथ क्रिंज टिकटॉकर और समथिंग लाइक दैट, वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था. एंड वो वीडियो की तरह ही इस वीडियो भी है. वैसे तो अब हर्ष बेनीवाल की हर एक वीडियो पहले वाला रिकॉर्ड तोड़ रहा है, विच इज़ ग्रेट. सो लेट्स एन्जॉय दिस. एंड गाइस, इस वीडियो को मैंने बहुत डिले कर दिया बिकॉज ऑफ रीमी, ताकि वो मेरे साथ आकर के वीडियो देखे, लेकिन शी इज़ स्टिल बिजी. सो वो अभी आकर के वीडियो नहीं कर सकती है, लेकिन जब भी वो फ्री होगी ऑफकोर्स वो आएगी एंड मेरे साथ वीडियो करेगी. और एक बात, दैट इज़ थैंक यू सो मच बिकॉज वी हैव क्रॉस्ड 20K बिकॉज ऑफ यू गाइज. आई हैव नेवर नेवर एवर थॉट कि ये हो जाएगा, बट आप लोगों के लिए हुआ है. सो थैंक यू सो मच. प्लीज़ डू सपोर्ट लाइक दिस. गिव अवे का जो भी अनाउंसमेंट है वो इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो मेन वीडियो है हर्ष बेनीवाल का वो बहुत लंबी है. सो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें गिव अवे के लिए जो भी अनाउंसमेंट है, रूल्स रेगुलेशंस, वो मैं अनाउंस कर दूंगी. एंड लाइव मैं और रिमी आऊँगी. रिमी थोड़ा सा फ्री हो जाए देन हम दोनों मिल करके लाइव आएंगे एंड आप लोगों के साथ बातें भी करेंगे. सो थैंक यू सो मच अगेन. जो भी मैंने बोला था कि 20K होने के बाद हम लोग करेंगे वो हम ज़रूर करेंगे. सो बहुत लंबी हो गई है इंट्रो, नाउ विदाउट एनी मोर टॉकिंग वीडियो को स्टार्ट करेंगे. एंड इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड इफ़ यू लाइक माई रिएक्शन सो प्लीज़ टू लाइक टू दिस वीडियो, इट मीन्स अ लॉट टू मी. अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा मेरी तरह, सो प्लीज़ एट फर्स्ट गो एंड चेक इट आउट फर्स्ट, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. एंड देन कम बैक एंड वॉच माई रिएक्शन. सो नाउ विदाउट एनी मोर टॉकिंग लेट्स गेट स्टार्ट. सो गाइस, बहुत ही ज़्यादा ठंड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा. एंड आई फील लाइक समथिंग इज नीडेड टू एन्जॉय इट फुल्ली. सो मैं गई और थोड़ा सा ब्लैक कॉफ़ी करके वापस भी आ गई. एंड अब मैं इस वीडियो को एन्जॉय करूँगी विथ माई ब्लैक कॉफ़ी. आई नो कि इसमें कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, बट कोई बात नहीं, मैं इसमें हॉट ड्रिंक ही पीऊंगी. लेट्स बिगिन. ओके सही से लियो, ब्लर आ गए थे पिछले एक दो शब्द. ठीक है, रेडी. नमस्कार दोस्तों, आज हम आ चुके हैं आपको एक ऐसे शख्सियत से मुखातिब कराने जिनकी पहचान को अवगत कराने के लिए हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है. लगता है कोई बहुत बड़े आदमी है. अरे नहीं नहीं, सही में कोई शब्द नहीं है. खुद की पहचान वाला कोई काम नहीं किया ना इन्होंने. इनके तो आधार कार्ड पे भी इनके पापा का नाम है. हाँ एकदम सही समझे, हम आए टू इंटरव्यू द वन बट नॉट द ओनली वन, अनदर रैंडम स्टार किड, रैंडम कपूर. भैया जी कुछ काम दे दीजिए भैया, कुछ भी चलेगा भैया. पेड़ कहिएगा पेड़ बनेंगे, घाट कहिएगा घाट बनेंगे, झाट कहिएगा झाट बनेंगे. भैया प्लीज कुछ काम दे दीजिए भैया. स्ट्रगलर जहाँ देखो काम मांगना शुरू कर देते हैं. अरे आ यार आप लोग बैठिए, मैं बाबा को बुला के लाता हूँ. बैठिए. तू एक दो बीरोल ले ले घर के यार. देख रहे हो
अवार्ड्स देख रहे हो? देख रहे हो ना? ओ हाय रैंडम सर। हाँ कम ऑन कॉल मी रंडो। रंडो रंडो जी, आपने मूवी तो सिर्फ अभी तक एक ही करी और आपके घर पे अवार्ड्स किलो के भाव। वो डैडी ने कहा घर खाली नहीं लगना चाहिए, तो उसे सारे अवार्ड्स खरीद लिए। ये कट कर देना। कमाटा, कुछ पूछा आपने? आप कुछ लेंगे? नहीं सब ठीक है। देख रहे हो, देख रहे हो कितने चाय हैं? देख रहे हो आप? इंसिस्ट कुछ तो लो, चाय कॉफी कुछ। हाँ कॉफी ठीक रहेगी। ग्रेट। करण कॉफी ले आओ दो कप। हैम्पर भी लाने है क्या सर? नहीं नहीं वो रैपिड फायर के बाद। तो रंडू जी आपके लाखों फैंस और प्रशंसक हैं जो भी आपको देख रहे हैं और आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। बताइए आपको कब लगा कि आपको एक एक्टर बनना है? सॉरी ये एक्टर क्या होता है? आई एम अ स्टार। ओके सो आपको कब लगा कि आपको एक स्टार बनना है? सी इट्स अ फनी स्टोरी। बचपन में जब भी मैं किसी बर्थडे पार्टीज में जाता था, वहाँ प्लेट्स में स्नैक्स रखे होते थे, तो मैं बचपन से ही बड़ा शैतान था। मैं अपनी प्लेट के स्नैक्स के साथ साथ उनके प्लेट्स के स्नैक्स भी खा लेता था। तो एक दिन मेरे को पापा ने उनके प्लेट से स्नैक्स चोरी करते हुए देख लिया एंड ही एक्सक्लेम्ड, ये तो अभी से दूसरों का हक मानने लगा है, माई सन इज स्टार मटेरियल। हाँ जौहर सुन, तेरी सोडी 25 के लिए मुझे डिस्को दीवाना मिल गया है। राजा का बेटा राजा ही बनेगा। That's it. You know what? I was destined to be a star, superstar. तो रंडू जी अपने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए। आप जब फर्स्ट टाइम ऑडिशन देने गए थे तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था? सर आपका फर्स्ट टाइम ऑडिशन एक्सपीरियंस? सच्ची बताऊं तो मेरी बहुत फटी पड़ी थी। आई वॉज रियली नर्वस कि पहली पिक्चर में अच्छे राइटर्स और डायरेक्टर मिल पाएंगे। हमने बहुत लोगों के ऑडिशंस लिए। एक मिनट, व्हाट? राइटर्स के ऑडिशन? सर मैं आपके ऑडिशन की बात कर रहा हूँ। मेरे ऑडिशन? मैं क्यों ऑडिशन दूंगा? एक सेकेंड, ऑडिशन हमें देने होते हैं क्या? खंबाटा मतलब दिस इज सो आयरोनिक। डोला चेक करो। हाँ जी। ये वाला डोला? हाँ जी। ये वाला डोला चेक करो, आ जाओ। वाओ लगता है रीजनल मूवीज का काफी शौक है आपको। अरे नहीं 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 ये तो मेरी आने वाली फिल्मों की स्क्रिप्ट है। वो क्या है ना कि मुझे भी कबीर खान की तरह सिर्फ इंडिया सुनाई देता, तो मैं चाहता हूँ लोगों को मेरी फिल्मों में सिर्फ इंडिया दिखाई दे। इसलिए मेरी फिल्म का फर्स्ट हाफ तेलुगु फिल्म से चुराया गया, आई मीन तेलुगु फिल्म से इंस्पायर्ड है, सेकेंड हाफ कन्नड़ से और क्लाइमैक्स मलयालम से, और म्यूजिक में तो पंजाब कवर हो ही रहा है। देख रहे हो? देख रहे हो ना स्ट्रेटेजी? देख रहे हो? तो रांडू जी रोल चूज करने में आपकी कोई लिमिटेशन या फिर आपकी कोई रेखा? अरे नहीं 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 रेखा तो सिर्फ अमित अंकल की है। सो रंडू जी वी रियली वांट टू नो कि हर एक नई मूवी के लिए आपकी क्या प्रिपरेशन रहती है? यू नो काफी मेहनत लगती है, 3-3 घंटे जिम जाना पड़ता है, 4-4 घंटे डांस करना पड़ता है, है काफी मेहनत हो जाती है। सॉरी हम एक्टिंग की बात कर रहे हैं, आप एक्टिंग के लिए क्या करते हैं? यार देखिए ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, तो एक्टिंग के लिए तो मैंने बॉडी डबल रखा हुआ है। खतरों के खिलाड़ी। ओके सो आपकी नई एक्शन मूवी अब्बास मस्ताना के साथ कास्टिंग स्टेज पे थी, तो इज दैट कास्टिंग डन नाउ? हाँ ऑलमोस्ट हो गई है,
बस एक पॉपुलर यूट्यूबर को ढूंढ रहे हैं जिसको स्टीरियोटाइपिकल सरदार बनाएंगे और ऑडियंस ग्रैब कर लेंगे। देख रहे हो, देख रहे हो कैसे सेल्फ रोस्ट कर रहा हूँ, देख रहे हो आप। वैसे काफी अफवाह उड़ रही हैं आपको और आपकी फिल्म की लीड एक्ट्रेस बुलबुल खन्ना को लेकर, तो इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? हम इंग्लिश हम we are friends, क्यों कंबाटा? रंडो जी, आए दिन स्टार किड्स पे एक्यूएशन लगाए जाते हैं कि वो इस इंडस्ट्री में अपने टैलेंट के दम पे नहीं बल्कि इसलिए हैं क्योंकि आप चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए थे। What is this nonsense? कौन फैला रहा है ये सब बातें? It's not चांदी का चम्मच, it's white gold. निर्जला ने लेने से मना कर दिया तो राधे भैया ने हमें गिफ्ट कर दिया। तेरे नाम। वैसे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सोशल मीडिया ट्रोलिंग को लेकर जो स्टार किड्स की काफी ज्यादा हो रही है और इसमें आपके एक क्लोज फ्रेंड अनन्या पे भी काफी मीम्स बन रहे हैं। वेट, मैं आज करेक्ट करना चाहूंगा पूरे भारत को कि जिस आदमी को करण ने अपने शो पे कॉफी पिलाने नहीं बुलाया, हाउ कैन ही बी अ स्टार? चंकी इज नॉट अ स्टार एंड अनन्या इज नॉट अ स्टार किड, शी इज जस्ट अ किड। उसमें मीम बनाने बंद करो और असली स्टार किड की न्यूज दिखाओ। क्या आपको मालूम है आराध्या ने अब्राहम को फ्रेंड जोन कर दिया है? तैमूर ने शाहिद कपूर को गलती से अब्बा जान कह दिया है? नहीं, इसकी किसी को परवाह नहीं है। All you care is about Ananya and a struggle. Chee, tu, nonsense. क्या? कबाड़ा, help करो. चलिए उनके struggle को छोड़ते हैं। हम आपके बारे में बात करते हैं। Do you think you have struggled? Of course I have. I still remember जब मुझे किसी गांव में ले गए थे for some ad shoot. And वह पीने को एविन वाटर नहीं था, बिस्लेरी पीनी पड़ गई थी मुझे। रुलवा दिया बाबा। नहीं बाबा, नहीं बाबा, नहीं नहीं। कोई नहीं कंबाटा, कोई नहीं, आज मुझे कहने दीजिए। सर आप बताइए, कभी आपकी बेंटले बीच रास्ते में खराब हुई है? बताइए सर, मेरे पास तो स्प्लेंडर है। स्प्लेंडर है? ये नई सुपर बाइक है क्या कोई? कंबाटा मुझे क्यों नहीं मिली है? एनीवेज छोड़ो, व्हेन माय बेंटले ब्रोक डाउन मुझे होटल की कैब से घर जाना पड़ा। इट वाज सम चीप स्टिंकी बीएमडब्ल्यू, उसकी सीट इतनी रफ थी ना आज तक मेरे बम में दर्द हो रहा है। रैशेस पड़ गए, दिखाऊं आपको? रैशेस दिखाऊं? मैं दिखाता हूं आपको, ये देखो रैशेस, देखिए ये देखिए रैशेस, देखिए ये क्या लिखा है, ओनली फॉर करण। कट कर देना प्लीज। तो रंडू जी, आजकल काफी एक्टर्स माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स करना चाह रहे हैं, तो क्या आप भी? ऑफ कोर्स, आई रियली वांट टू प्ले जटायु इन बॉलीवुड एडेप्टेशन ऑफ रामायण। लगता है आपको रामायण के बारे में कुछ ज्यादा ही पता है। कम ऑन, किसको नहीं पता, अंटिल एंड अनलेस यू आर सोनाक्षी डम सिन्हा, मेरे पोस्ट लाइक नहीं करते। तो क्या आप बता सकते हैं कि रामायण में हिरन किसने मारा था? हाँ भाई ने, ड्राइवर ने, हिरन ड्राइवर ने मारा था। बड़े अनसेफ होते हैं ड्राइवर, इसलिए ऑलवेज सेल्फ ड्राइव। कभी हिरन मार देंगे, कभी इंसान मार देंगे, और कुछ नहीं मिला तो अपनी गर्लफ्रेंड को चाटे मार देंगे, इसलिए ऑलवेज सेल्फ ड्राइव। अगर ये सुन लिया तो आपकी गांड भी मार देंगे। क्या? कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि आगे बढ़ते हैं। अरे ये क्या, गंदगी लगी है। गंदगी लगी हुई है? स्ट्रगलर बैठे हैं क्या? उनको बोलो साइड हो, नहीं तो गाड़ी चढ़ा दूंगा। गंदी पो 40। So, रणु जी, हमने कुछ ऑडियंस से सवाल लिए हैं जिनमें से सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड यू फील ऑन योर विन एट स्टार ब्रस्ट अवार्ड, आपको उस टाइम कैसा फील हुआ? वेल व्हाट अ डे इट वाज। अरे सर, बहुत
अच्छे लग रहे हो सर, बहुत अच्छे लग रहे हो। एक सर सिक्स पैक सर, सिक्स पैक सर, एक पल का जीने वाला सेव हो जाए। हां सर, सर सर रेंडो जी एक लेफ्ट में, लेफ्ट सर एक लेफ्ट साइड सर, लेफ्ट फोर सर 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 एक नॉट नॉट सर नॉट नॉट हो जाए सर एक। अरे बहुत सही सर, बहुत सही, बहुत सही, बढ़िया बढ़िया सर सर। एक अरे अभी जी कुछ दिन तो गुजार रही है गुजरात में, आइए आइए अभी जी, आ जाइए। 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए का सवाल पूछिए जी। अभी जी लाइफलाइन है कोई? हेलो मैम, एक कोर्स मैम, दिलजीत का रिप्लाई आया मैम, दिलजीत का अमित जी कैसे? अमित जी कैसे? अमित जी का क्या हाल है मैम? हेलो मैम कैसे हो? नमस्कार। COVID-19 की ऑनलाइन की प्रक्रिया पूरे देश में शुरू हो गई है। ये सब सब जोहर के चटाई वाले आए थे, और मैं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ, सबका पर्दाफाश कर दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी को नहीं, ट्विटर में देख लूंगी, ट्विटर में। ऐसे में अपने घर से बाहर तभी निकले जब बहुत आवश्यक हो। फेस कवर या मास्क को पहनते हुए ध्यान रखें कि मुंह और नाक दोनों अच्छे से ढका रहे। ओ कितने गई कंगड़ो ओए, संदीप ब्रो कंगड़ा उधर भागी है, जाके पकड़ लो उसे, मेरा भी बदला ले। सार्वजनिक स्थानों पे कम से कम 2 गज की दूरी बना के रखें। एक छोटी सी लापरवाही आपको बहुत भारी पड़ सकती है। खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो अपने राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1075 पर संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनित जारी। पाजी पाजी पाजी, आपका कंगना के साथ क्या पंगा हो गया प्लीज बताइए। ओ कंगना ने मेरे नाल पंगा लेके बहुत बड़ी गलती कर ली है, उन्हें भूण दे छते नु छेड़ दे, ओदे हड़बे ते पैणी हड़बे ते। सर हड़बा मतलब? ओ तैनू कुछ कैंप लेने है, गूगल कर ली। ओ कंगना सवाल था, किसी पर्टिकुलर फाइल को खोले बगैर एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में कॉपी कैसे किया जाता है? पहले प्रोग्राम को क्लिक कीजिए, जब विंडो खुल जाएगी तो कर्सर को दूसरी फाइल में ले जाके राइट क्लिक कीजिए, फिर फिगर बटन छोड़े दूसरी ड्राइव में ले जाके बटन छोड़ दीजिए, आपकी फाइल कॉपी हो जाएगी। अरे सर आइए आप। खम्बाटा, डोंट पुल माय प्राडा। अरे अमित जी वेरी गुड। अरे खाजी नमस्ते। माटा ये क्या था? कुछ नहीं अमित जी, रेखा जी के बाग में बागवान खिला रहे थे। अरे आप मगर चलिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, सो द अवार्ड फॉर द बेस्ट डेब्यू गोज टू dearest, my boy, my bestie, test tube baby, Ranjan Kapoor! Oh. Yeah! Oh, yeah! Woo! 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 Yeah! So yeah, my baby! Yeah! रैंडम प्लीज दो शब्द कहिए। दो शब्द? रैंडम आई मीन टेल अस हाउ आर यू फीलिंग। ओह अच्छा, इतनी शिद्दत से तुमको पाने की कोशिश की कि मेरे डैडी ने मुझको तुमसे मिलाने की साजिश की। वो कहते हैं ना, किसी चीज को अगर सच्चे दिल से चाहो तो रिच डैड ऑफ बॉम्बे उसको तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाता है। हाँ, आज मेरे डैडी ने मुझको मेरी चाहत से मिला। आई फील लाइक द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड। थैंक यू डैडी, थैंक यू सो मच गाइस। साली कड्डा तेरिया ट्वीटा ट्विटर तेरी माँ की।
रंडो सर प्लीज रोइए मत। देख रहे हो एक्टिंग, देख रहे हो, देख रहे हो ना हमारा एक्टिंग, देख रहे हो डैडीज क्या के मुझे ऑस्कर दिलवाओ। सो रंडो जी, सो टेल अस अबाउट योर फर्स्ट डेट शूट, कैसा एक्सपीरियंस था आपका, वी रियली वांट टू नो। वेल वेल वेल, दोज वर द डेज। माशाल्लाह माशाल्लाह। कमाटा मेरी दो एप्स घर रह गई है, डैडी को बोल के जल्दी भेजो। चलो चलो हो गया हो गया। हेलो सर। हेलो सर। सर मैं राइटर सर। ओह मैंने लिखी है, सब मेरा ही है राइटर। सर हाँ एक बार आप पढ़ लो सर। अरे वाह, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओह लवली, अरे वाह। ग्रेट स्क्रिप्ट, वेरी नाइस, बस थोड़ा डांस और हो जाता तो मजा आ जाता। ठीक है सर मैं वो करवाता हूँ। बाकी सर अपना जो अगला सीन है उसके डायलॉग्स ये हैं कि इतनी दूर क्यों खड़ी हो, पास आओ, अपने होठों से लगा के अपनी सांसों में उतारना है तुम्हें। ठीक है सर, मतलब लव वाली फीलिंग चाहिए सर, एकदम इमोशन अंदर से बाहर आना चाहिए। लाइट्स 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 लगाओ, चलो 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 चलो। क्या कर रहा है सर? सर बाबा को लाइंस करवा रहा हूँ। लाइंस करवा रहा है? तू करवाएगा बे अंदीप पुगी तेरी। चल राइटर हूँ सर, राइटर। चल चल रंडो बेटा, इनकी बातें मत सुना कर। ओके गंदे लोग हैं। राइटर्स राइटर्स है तू, तू स्टार है। अंदर से करना है, अंदर से कर, बाहर से करना है, बाहर से कर, अपने कंफर्ट के हिसाब से जैसे लग रहा है ना कर दे। हैं ऑलराइट, आगे एक शॉट दे दे बढ़िया सा, उसके बाद शॉट लगाने चलेंगे। डोंट वरी चाचा, मैं एक बार में बेस्ट शॉट दे दूंगा। अरे मेरा पुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तेरी फूफी की शादी है उधर, प्रॉप ले जा, मतलब हीरो ले जा। राइटर राइटर सर मैंने लिखी है सर पूरी स्क्रिप्ट। Lights, camera, action! इतना दूर क्यों खड़ी हो? थोड़ा पास आओ, अपनी सांसों से लगाकर अपने होठों में उतारना है तुम्हें। कट 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 कट। रंडो, बेटा, सांसों में उतारना है। ब्रेथ, 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 सांस। Come on, one more. And action! इतना दूर क्यों खड़ी हो? थोड़ा पास आओ, अपने घोटों से लगाना है तुम्हें। कट कट। इतना पास क्यों खड़ी हो? थोड़ा दूर हो जाओ प्लीज। कट। इतना पास क्यों खड़ी हो? मेरा खड़ा हो रहा है। कट। इतना पास क्यों खड़ी हो? थोड़ा दूर हो जाओ, कहीं ना कहीं से तो घुसाना है तुम्हें। कट 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 एंड कट। ओह माय गॉड। रंडो, बाबड़े बड़े। शाबाश शाबाश। वेरी गुड बैन। क्लैपिंग एवरीवन एवरीवन क्लैपिंग। वाओ। एक दिक्कत थी बस, एक्टिंग थोड़ी ज्यादा होगी। ओके आर्ट पिक्चर तो बना नहीं रहे, मसाला पिक्चर है, समझ रहा तू बात को? मसाला चाहिए थोड़ा, हैं? डायलॉग में वेट है बेटा, वेट भार देगा मुझे। ऑलराइट दे। आ वेरी गुड। इससे सही जगह रहने, तेरा खानदान चोद दूंगा। नहीं नहीं सर, दादी बहुत बूढ़ी है, मैं जाता हूं। वन मोर टचअप। टचअप कहां है? टचअप टचअप।
16 की 16 ऐप दिखनी चाहिए मेरी। Ready? Okay, sir. अब देखना पक्का निकलेगा टेक। चलो 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 रेडी लाइट्स कैमरा एक्शन। इतना दूर क्यों खड़ी हो, थोड़ा पास आओ। अपने होठों से लगाकर अपनी सांसों में उतारना है तुम्हें। Get it! बहुत बढ़िया हुआ! बहुत बढ़िया! मैंने लिखी है, मैंने लिखी है। ए, बंकर बादर चुप। So, रंडू जी, it is time to talk about the elephant in the room. Elephant in the room? तन में बटाया हुआ है क्या? नहीं नहीं, वो नहीं. Then, जैसे, you know, industry में जो लोग OCB धरते थे, आजकल उन्हें NCB धर रही है. तो, it's a private question, like man to man. कभी आपने भी आपका कोई मन करा हो, आपने कभी थोड़ा सा हो जाता है ना, लिटिल सा थोड़ा टेस्ट किया हो, थोड़ा किया हो, थोड़ा तो किया ही होगा आपने। कट कर देना। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता और किसी को करना भी नहीं चाहिए। ऑलवेज ईट ड्रग एंड डोंट डू वेजिटेबल्स, राइट खंबाटा? रंडू जी, लास्ट मंथ आपका बर्थडे था और सुना है काफी लेविश पार्टी थ्रो करी थी आपने। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई एम अ वेरी सिंपल गाय। मैं और मेरे दोस्त यहाँ से कुछ दूर एक आश्रम है, वहां गए और फिर गरीबों में कुछ दान पुण्य किया और फाइनली थोड़े से भजन कीर्तन के बाद हम लीन हो गए। What the fuck is recording? वैसे अब इतने कंट्रोवर्शियल सवालों की झाड़ लगी गई है तो एक और पूछ लें। शूट। इस बात में कितनी सच्चाई है कि इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड का दबदबा है और आपके किसी अंडरवर्ल्ड के साथ कोई कनेक्शन या लिंक? देखिए, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मैं यहां सिर्फ काम करने के लिए हूं और मेरा इन सबसे कुछ लेना देना नहीं है। आई एम वेरी इनोसेंट, एकदम मासूम, इनोसेंट एज काउ। इतना मासूम कि एक बार एक लड़की ने बोला गो डाउन और मैं बेसमेंट में चला गया। तो इसका मतलब आपका किसी डॉन के साथ कोई लिंक नहीं है? डॉन? अरे यार, मेरा तो कोई पॉकेट मार से भी लिंक नहीं है। ये क्या है? ये तो पापा के प्रोटेक्शन के लिए रखी थी। क्यों खंबाटा? यही बोलते हैं ना, सो चलिए अब रैप करते हैं। वो क्या ना, भाई का कॉल आ गया, जैकलिन के कपड़े प्रेस करके भिजवाने हैं फार्म हाउस पे। या माइक, बाबा को टच नहीं। माइक कोई नहीं, छोड़ माइक छोड़। थैंक यू फॉर योर टाइम सर। ये भी ठीक है सर। वो थंबनेल के लिए कुछ पोस्टर मैंने बनाए हैं तो आप देख लीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगा। नहीं, व्हाट्सएप नहीं। आप एक काम कीजिए, पोस्टर का MMS बना के भेजिए। वो क्या है ना, आजकल MMS कम और चैटें ज़्यादा लीक हो रही हैं, फिर माल को माल भरो बोलना पड़ता है। चलो सर, फिर हम चलते हैं। फिर कब सर? एक लास्ट क्वेश्चन बोलिए।
Do you think these strugglers are in any way jealous of star kids? Of course they are. They are very jealous of our privilege. वो भूल जाते हैं कि हमारे पिछले जन्मों का कर्म है that we are born star. वो क्या है ना कि privilege is like human right. चाहिए सबको पर मिलता किसी किसी को है. So you know. अरे प्रिविलेज रखो तुम अपनी गांड में. हम खुश हैं अपनी 2.5 किलोमीटर लंबी ऑडिशन लाइन में खड़े होकर ऑडिशन गेट तक पहुंचने में. बस दिक्कत हमको इस बात की है जब हम ऑडिशन गेट पर पहुंचते हैं हमको एक टुक देखा जाता है और कह दिया जाता है नॉट फिट. नहीं क्या है हम कच्चा है बनियान है जो एक टुक देखे और डिसाइड कर लिया फिट की नॉट फिट. अरे यहाँ सारा पूरी जिंदगी दे दिया अभिनय को और हम नॉट फिट. और एक भोसड़े के तुम हो जिसके अभी जन्म की नार नहीं कटी कि तुम्हारी अम्मा का शोहर जौहर से पिक्चर साइन करा रहा होता है. पर ठीक है हमको उससे भी कोई दिक्कत नहीं है. बाप ने अपना तेल निकाला है तो बेटा तो उसमें अपने पकौड़े तले गई. हमने भी तले अपने बाप के तेल में पकौड़े. पर पकौड़े तलने की कोई लिमिट कोई सीमा कुछ तो तय कीजिए ना कि कब तक तलेंगे पकौड़े. अरे मादर चौदह इनको एक मौका मिलता है ये फेल होता है दूसरा मिलता है ये फेल होता है तीसरा मिलता है ये फेल होते हैं. हमारे हिस्से के सारे मौके इनकी झोली में ऐसे गिरा दिए जाते हैं जैसे भवानी का प्रसाद. अरे आप रेस शुरू होने से पहले ही 100 मीटर आगे खड़े हो जाइए हमको कोई दिक्कत नहीं है. पर कम से कम हमें रेस में हिस्सा तो बनाइए. हम भागते हुए 7 बार गिरेंगे और 8 बार उठेंगे पर कम से कम हमें स्टार्ट लाइन पे तो आने दीजिए. और आप सब बहुत कूच कर रही होंगी हमारी बातें आपके कलेजे पर बहुत दर्द भी आ रहा होगा हम पर और शपथ भी ग्रहण कर रहे होंगे अब साला असली टैलेंट को ही आगे लेके आएंगे. अब किसी नवाज या किसी त्रिपाठी को 15-15 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा नजर में आने के लिए. गर्दा उड़ा देंगे सब बदल देंगे. अरे शांत हो जाइए आप भी. बस सुबह तक ही रहेगा ये जोश. शाम को ऐसे किसी टैलेंटेड स्टार किड की पिक्चर की टिकट कटा रहे होंगे आप भी. ब्रो सिनेमा हॉल बंद है मेरी पिक्चर ऑनलाइन आ रही है सब्सक्रिप्शन ले लेना गाइस. सर आपके लिए अभिनय हक है और हमारे लिए पूजा. और जिस दिन पूजा को हक से ऊपर का दर्जा मिलेगा ना उसी दिन सब बदलेगा. गाइस मेरी नई पिक्चर का ट्रेलर आ गया. लोहड़ा बदलेगा. माय वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर ये अपने दोस्तों को दिखाएं और नहीं पसंद आई तो अपने दुश्मनों को दिखा दे हैं पर दिखा दे शेयर करें वीडियो फैला दे. एंड मेक श्योर आप लाइक करें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना नहीं जाना. लाल बटन है दबा दो उसको घंटा वंटा सब दबा देना यार. एंड गाइस ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है किसी को कोई हेट नहीं है ना आप लोग किसी को हेट पहुंचाना इस वीडियो के बाद ना किसी को हेट फैलाना बातें बातें मत करना इन सब के बारे में ठीक है भूल जाओ सब. ये यहाँ मैं मेरा इंस्टाग्राम है यहाँ मेरे को फॉलो कर लो. यहाँ मैं BTS वगैरह डालता हूँ या कभी बिहाइंड द सीन कुछ होगी वो बकचोदियाँ डालता रहता हूँ तो मेक श्योर आप मुझे यहाँ फॉलो. एक और चीज़ ये साल की आखिरी वीडियो है तो मेक श्योर इसको स्पेशल ट्रीट करते हैं यार. मतलब लाइक कमेंट की बारिश कर दो यार दे दो प्यार दे दो फुल ठीक है. और बाकी आप सबको हैप्पी न्यू ईयर गाइस लव यू बाय. हाँ करण सर नहीं नहीं सर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाएंगे वीडियो ऐसी कोई हेट वेट वाली बात नहीं है सर. क्या मतलब गांड मारो. हेलो हेलो ओह माय गॉड यार क्या वीडियो था. आई मीन दिस इज जस्ट नॉट अ फनी वीडियो. जो मैसेज इसके अंदर था फनी तो ये था ही लेकिन इसके अंदर जो मैसेज था एंड द मैसेज जो उन्होंने एंड में दिया दैट इज जस्ट ग्रेट यार. एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग जो मुझे लगा दैट इज यू नो जो भी करंट इंसिडेंट हमें देखने को मिला है न्यूज़ पे एंड सोशल मीडिया पर उन्होंने इतना अच्छे से इस वीडियो में वो दिखाया. दिस इज सच अ ग्रेट जॉब. मतलब क्या ही बताऊँ. आई थिंक कि मैंने वीडियो बहुत ही बहुत ही मन से देखा एंड मुझे लगता है कि मैं कैमरे की तरफ भी बहुत कम देखा वीडियो देखते देखते क्योंकि बहुत कुछ मैं रिलेट कर पाई. जो भी मैंने न्यूज़ पे या फिर सोशल मीडिया पर देखा था बहुत ही ज़्यादा मैं रिलेट कर पाई. एंड अगर
आप लोग भी यू नो अप टू डेट रहते हो ये सारी न्यूज के बारे में, तो आई नो कि यू ऑल्सो कैन यू नो रिलेट विद दिस थिंग्स, बिकॉज दिस इज जो भी हमने देखा था ना वो इतना अच्छे से यू नो इतना आयरॉनिकली इतना सटायरिकली यू नो दिखाया उन्होंने, दैट इज जस्ट मतलब अमेजिंग. एंड क्या एक्टिंग यार, एक्टिंग बाय हर्ष, ओ माय गॉड दिस इज अमेजिंग. एंड मोहित का एक्टिंग एंड सबका एक्टिंग कह लो यार, रेखा मतलब यू नो जो भी था वीडियो में, एंड ऋतिक का एक्टिंग तो मतलब पूरा एकदम ऋतिक रोशन जैसे लग रहा था, वाओ. और जो हर्ष के साथ जो यू नो सेक्रेटरी का रोल जो प्ले कर रहा था, ही इज ऑल्सो ग्रेट एकदम, मतलब पूरा फिल्म से ये कम नहीं है. जो हर एक वीडियो में मैं बोलती हूँ कि आई थिंक हर एक जो भी रिएक्शन देते हैं जो भी देखते हैं सबको ही पता है कि हर्ष बनियाल इज लाइक एक से बाद एक जो भी वीडियो आ रहा है सब एक से बढ़कर एक है, क्या ही बताऊँ. और एक वीडियो जो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, वो जो पार्टी वाला वीडियो था ना, उसका शॉट यार पूरा जैसा कि उस वीडियो में था इसमें शॉट भी एकदम वैसा सेम टू सेम है, ओ माय गॉड. मतलब जिन्होंने भी उस वीडियो को देखा है आई नो कि वो कितना ज़्यादा रिलेट कर पाएगी एंड उसको समझ में आएगी कि ये कितना ज़्यादा एकदम सेम टू सेम शॉट है, सेम टू सेम जो भी खड़ा है एंड जैसा भी स्टेप है, जैसे एक्सप्रेशन कह लो, सब कुछ एकदम उस वीडियो की तरह ही था. मतलब बहुत ही बढ़िया था वीडियो. जो मैसेज लास्ट में था दैट इज़ ऑल्सो यू नो कि अगर कोई स्टार किड्स का यू नो फिल्म एक से बाद एक फ्लॉप हो गया तो फिर भी उसको और भी एक फिल्म करने का मौका तो मिलेगा ही, लेकिन अगर कोई बाहर से आता है एंड उसका फिल्म बाय चांस फ्लॉप हो जाता है सो उसको यू नो सर्वाइव करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट हो जाता है, होता है ऐसा, हम क्या कर सकते हैं. आई थिंक कि वी हैव टू अप्रिशिएट ऑल द मेकअप थिंग्स यू नो जो भी मेकअप आर्टिस्ट था इस वीडियो में, क्योंकि हम लोग वो स्टार को पहचान रहे थे बाय दैट मेकअप ओनली, राइट. सो मेकअप के लिए तो एक तालियां बनता ही है यार. अनदर ग्रेट एंड ग्रेट वर्क बाय हर्ष बेनीवाल एंड उसका पूरा टीम, जस्ट ग्रेट, बहुत बढ़िया है. एंड आई विश यार बहुत जल्दी हर्ष बेनीवाल का फिल्म आने वाला है, आई नो इसके बाद तो आएगा ही. सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ मी, आई इन्जॉय दिस वीडियो लॉट अ लॉट, आई नो यू ऑल्सो डिड. सो प्लीज़ वीडियो को अगर आपने अभी तक भी रियल वीडियो को नहीं देखे हो सो गो एंड चेक इट आउट गाइज, दिस इज अमेजिंग वीडियो, अमेजिंग मैसेज के साथ. लास्ट में तो मेरी आँखों में मतलब आंसू आ रहे थे, इतना अच्छा मैसेज उन्होंने इतना अच्छे से दिखाया, दैट इज़ जस्ट ग्रेट यार. So guys, thank you so much for watching this video with me. I don't know कि इस साल में इसके बाद और कोई वीडियो मेरे चैनल में आएगा कि नहीं. So मेरी तरफ से आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस एंड मेरी क्रिसमस में तो कोई वीडियो आया ही नहीं, फिर मेरी क्रिसमस. If you like my reaction, so please don't forget to drop a like and subscribe to my channel with the bell notification. See you in the next video. Till then, bye-bye. Take care.